दोस्तों क्या आप लोग भी फ्लिपकार्ट से आपने कोई भी सामान ऑर्डर किया है वो शिप हो चुका है जैसे आप लोग देख सकते हैं मेरे में एक ऑर्डर शिप हो चुका है अब शिफ्ट ऑर्डर को आप लोग को कैंसिल कैसे करना है आज की वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं तो अगर आप लोग हमारे चैनल में जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक चीज का याद रखना है कि आप लोगों का जो ऑर्डर आपने किया है आपने उसे पे ऑन डिलीवरी किया है मतलब कैश ऑन डिलीवरी या फिर आपने उसका पे, एडवांस पेमेंट कर दिया है पहले से क्रेडिट गे, कार्ड या डेबिट कार्ड से अगर आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से किया है तो आपका कैंसिल तो हो जाएगा लेकिन पैसा आने में तीन से पांच वर्किंग डे लगेंगे वर्किंग डे में सैटरडे संडे और हॉलीडे अकाउंट नहीं होते अगर कैश ऑन डिलीवरी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है आपका कैंसिल हो जाएगा और आपको पैसे तो वैसे ही वापस आपको चाहिए मिलने ही नहीं वाले तो यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ आप लोग कैसे कर सकते हैं इसे कैंसिल कैंसिल करने का तरीका काफी सिंपल है आप लोगों को पहले तो फ्लिपकार्ट को ओपन कर लेना है फ्लिपकार्ट ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर देखिए मैंने फ्लिपकार्ट ऐप को ओपन कर लिया अब यहाँ पर आप लोगों को नीचे अकाउंट पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको ऑर्डर्स पर क्लिक करना है ऊपर ऑर्डर्स पर क्लिक करने, करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा डिलीवरी एक्सपेक्टेड बाय और यहाँ पर डेट डिलीवर मैं अपने प्रोडक्ट को चूज कर लू जिससे मुझे कैंसिल करना है यहाँ पर देखिए ये शिप हो चुका है अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये पहले से ही शिप्ड ऑर्डर है कब तो ये शिफ्ट ऑर्डर कैंसिल कैसे होती है वो अब आप मैं आपको बताता हूँ शिफ्ट ऑर्डर को कैंसिल करने का तरीका काफी सिंपल सा होता है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक चीज का याद रखना है आप लोगों को यहाँ पर नीचे एडिट ऑर्डर ये लिखा हुआ है इस पर आप लोग क्लिक कीजिए एडिट ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को आई वॉन्ट टू कैंसिल माई ऑर्डर पर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आई वुड लाइक टू कीप द ऑर्डर कैंसिल ऑर्डर तो कैंसिल ऑर्डर पर क्लिक कर दीजिए अब आप देखिए आपको रीजन सेलेक्ट करना है रीजन आप कोई जो आपसे रिलेटेड हो वो आप यहाँ पर चूज कीजिए अब यहाँ पर आप लोग मान लीजिए यहां पर मैं लिख देता हूँ माई रीजन आर नॉट लिस्टेड हे तो यहाँ पर आप खुद से भी रीजन लिख सकते हैं आप ये क्यों नहीं करना चाहते जैसे आप लिख देंगे आई ऑर्डर डेड माई मिस्टेक और सबमिट कर देना रिक्वेस्ट को कैंसिलेशन रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है चेक स्टेटस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर चेक स्टेटस पर आप लोग देख सकते हैं कैंसिल हो चुका है आप लोगों का ऑर्डर अगर आपने एडवांस पेमेंट कर दिया होगा तो आपका जो क्रेडिट का, कार्ड डेबिट कार्ड जिससे भी पेमेंट किया उसमें ये पैसे वापस आ जाएंगे दो से तीन से पांच वर्किंग डे पे अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी किया तो कोई दिक्कत ही नहीं आपका ऑर्डर कैंसिल हो चुका है तो जिस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से फ्लिपकार्ड के को कैंसिल कर सकते हैं वीडियो तो वीडियो को लाइक करें चैनल नहीं हो तो सब्सक्राइबले बेलाइन को उनका करना मत भूलेगा